आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर अंडर द कस्टम्स एक्ट, दिस इज योर बैगेज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बैगेज की बात कर रहे हैं। कहा जाता है ना, बैग एंड बैगेज, साजो सामान के साथ रफ चक्कर हो जाना। तो बैगेज का मतलब यहाँ सामान ही है। हम कोई नई चीज़ नहीं बोलने जा रहे, हम कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहे। नई चीज़ इन द सेंस बैगेज डजंट मीन एट ऑल द न्यू थिंग। यहाँ पर कस्टम्स एक्ट के हिसाब से बैगेज का क्या मतलब है और बैगेज से रिलेटेड प्रोविजंस और रूल्स क्यों बनाए गए हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब आप फॉरेन जाते हैं या फॉरेन से आते हैं, फॉरेन आना जाना नहीं, फॉरेन विदेश में जाना और विदेश से आना। अब चाहे आप इंडियन होकर विदेश जाएं या विदेशी होकर इंडिया में आए, खाली हाथ आएंगे? यानी खाली हाथ आएंगे नहीं सर, कुछ ना कुछ ले आएंगे, अपने कपड़े लगते होंगे, सामान होंगे, मेरा लैपटॉप होगा, कैमरा होगा, कुछ पैसा होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम बैगेज। क्या कहते हैं? बैगेज। तो सर, बैगेज का मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम बैगेज ले आएंगे तो टैक्स लग जाएगा? मैंने अभी कुछ बोला नहीं, मैंने ये कहा बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेंड बैगेजेस टू। बैगेज में शामिल है साथ में लाया गया सामान और साथ में ना लाया गया सामान। जरूरी नहीं कि मैं अपने साथ सामान ले आऊं, मेरे आने के पहले सामान पहुंच गया, मेरे साथ सामान पहुंच गया या मेरे आने के बाद सामान पहुंचा। और ये तीनों चीज़ें बैगेज की कैटेगरी में आती हैं, ये तीनों चीज़ें बैगेज की कैटेगरी में आती हैं। तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेंड बैगेजेस, जो साथ में ना लाए गए सामान हो, जो पहले या बाद में आ जाए, बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए इसने प्रोविजन अलग बनाए हैं, मोटर व्हीकल डजन इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ बैगेज। बैगेज की कैटेगरी में हमारा मोटर व्हीकल शामिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर क्या शामिल होगा? सर, साथ में लाया गया सामान, पहले लाया गया सामान, बाद में लाया गया सामान, लेकिन इसमें शामिल नहीं है मोटर व्हीकल। इसमें शामिल नहीं है मोटर व्हीकल। तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेंड बैगेजेस बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। दस बैगेज रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बैगेज विच कम्स सेपरेटली एंड विच इज डिस्पैच्ड फ्रॉम एब्रॉड बिफोर और आफ्टर द ट्रेवलर्स डिपार्चर। कहने का मतलब है कि बैगेज रूल्स केवल साथ लाए गए बैगेजेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि बैगेज रूल उन चीज़ों पर भी एप्लीकेबल होंगे जो ट्रैवलर के आने के पहले डिस्पैच कर दिए गए या ट्रैवलर के आने के बाद डिस्पैच या रिसीव किए गए हों। दैट्स इट, ये है बैगेज। सर, समझ में आ गया, अब थोड़ा आगे बढ़ाइए। द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड एज सच। बैगेज मीन्स ऑल ड्यूटीएबल गुड्स। बैगेज में आप किस चीज़ को शामिल करेंगे? बैगेज में आप हर एक उस चीज को शामिल करेंगे विच इज ड्यूटीएबल, जो आप साथ में ला रहे हैं, दैट इज बैगेज। और अगर वो टैक्सेबल है तो हो गया ना, ड्यूटीएबल आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ क्रू इन हिज बैगेज। अब चाहे वो पैसेंजर अपने साथ ले आए, पहले लाए या बाद में लाए, या मेंबर ऑफ अ क्रू का बैगेज हो, तो बैगेज ऑफ अ पैसेंजर एंड बैगेज ऑफ अ मेंबर ऑफ द क्रू। ओके, अनअकम्पेंड बैगेज बता दिया, पहले या बाद में, ये भी बैगेज में आता है। बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल बता दिया। केवल एक नई चीज सीखी इसमें हम लोगों ने कि बैगेज में शामिल होता है केवल और केवल ड्यूटीएबल गुड्स। बैगेज में शामिल होता है केवल और केवल ड्यूटीएबल गुड्स, जो साथ में लाए गए, जो पहले आ गए, जो बाद में आ गए, यानी अनअकम्पेंड बैगेजेस। लेकिन इसमें शामिल नहीं है मोटर व्हीकल। दैट्स इट। ओके, अनअकम्पेंड बैगेज बता दिया। बोनाफाइड बैगेज क्या होता है? वर्ड हम क्लियर कर रहे हैं, द टर्म बोनाफाइड बैगेज मीन्स
बोनाफाइड का मतलब आप कह सकते हैं जेन्युइननेस। अगर मैं अपने साथ एक लैपटॉप ले रहा हूँ, दैट इज जेन्युइन वन, दैट इज द जेन्युइन। अगर मैं 10 लैपटॉप ले रहा हूँ, मैं कहूँगा ये मेरे पर्सनल है यूज, दैट इज नॉट अ बोनाफाइड बैगेज। आगे बात करते हैं, द बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म इश्यूड बाई द CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अंडर सेक्शन 81 प्रोवाइड्स दैट बोनाफाइड बैगेज इंक्लूड बियरिंग अपेरल, पहनने के कपड़े, ओके अपेरल, ओके पर्सनल एंड हाउस होल्ड आइटम्स और इफेक्ट्स प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल्स आर मीन्ड, दैट द आर्टिकल्स आर मीन्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पैसेंजर और द मेंबर ऑफ द फैमिली ट्रेवलिंग विद हिम एंड दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन ईदर बाई सेल और गिफ्ट। मेरे चाचा जी विदेश से हिंदुस्तान आ रहे थे, मैंने उनको फ़ोन पर बोला चाचा जी मेरे लिए एक TV लेते आइए बढ़िया, या पर्टिकुलर कोई सामान लेते आइए। उन्होंने कहा बिल्कुल ले आऊँगा बेटा, अपने बाप से बोल देना कि वो मेरे लिए इतना पैसा रखे रहे, फोकट में नहीं लाऊँगा। द मेन इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन इज टू सेल द पर्टिकुलर आइटम टू मी एवन दो ही इज माई रिलेटिव। चाहे वो मुझे गिफ्ट दें, चाहे वो मुझे सामान सेल करें, गिफ्ट दें या सेल करें, पर्सनल यूज नहीं ना है उनका, नहीं सर, वो कंप्यूटर लाएंगे, अब चाहे अपना भतीजा समझ करके हमको फ्री में दे दें, चाहे वो हमें वो भतीजा समझे या ना समझे, हमें सामान दे दें फ्री में या पैसा लेकर। तो अगर वो बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए सामान ले आता है जो रेगुलर चीज़ें हैं, तो उसको हम बोनाफाइड बैगेज बोलेंगे, जिसमें वेयरिंग अपेरल पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स शामिल होंगे एंड मीन्ड फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? न सेल के लिए हो और न ट्रांसफर के लिए हो और न गिफ्ट के लिए हो। डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज, द ओनर ऑफ द बैगेज शैल फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग इट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब आप बैगेज लेकर के विदेश से हिंदुस्तान में आते हो और आप ये सोचते हो कस्टम हाउस से तो हम ऐसे ही पार हो जाएंगे, ऐसे झोला पकड़ा और निकल लिए बाहर, अब इसमें क्या सामान रखे हो, नो वन विल चेक इट, आपकी गलत फहमी है। आप इस गलत फहमी को निकाल लो, आपका सामान चेक किया जा सकता है एवन दो दैट इज बैगेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन इन अ क्लियर कट वे इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म दैट वॉट यू कैरी विद यू इन इन विद योर बैगेजेस। आप बैगेज के साथ कैरी क्या कर रहे हो, कौन कौन से सामान कैरी कर रहे हो, क्या पर्पज है उसका, ये आपको डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा। द ओनर ऑफ एनी बैगेज शेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट क्लियरिंग फ्रॉम द कस्टम पोर्ट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। रेलिवेंट डेट जिस समय हम डिक्लेरेशन भरते हैं, हाँ या ना, डेट ऑन विच द ओनर ऑफ द बैगेज मेक्स अ डिक्लेरेशन, जिस डेट में आप डिक्लेरेशन फिलअप करते हो उसी डेट की रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और रेलिवेंट डेट इन केस ऑफ अनअकम्पेंड बैगेज, आप अपने सामान ला पहले भेज दिए या आपने सामान बाद में भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि सामान पोर्ट पर ना आ जाए। तो डेट ऑफ द अराइवल ऑफ अनअकम्पेंड बैगेज, आपने सामान पहले भेज दिया या आपने सामान बाद में लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल में क्या लिखा है, डिक्लेरेशन किस डेट को दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन अब इस केस में ना लग करके डेट ऑफ अराइवल का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू या वैल्यूएशन यूज होगा। यानी अगर आप सामान अपने साथ ले आते हो तो जिस डेट को आप डिक्लेरेशन देते हो, सामान अगर आप अपने साथ नहीं लाते हो तो डेट ऑफ अराइवल ऑफ द अनअकम्पेंड बैगेजेस। ठीक, अब सामान आप अपने साथ ले आ रहे हो एंड यू आर 100% श्योर, यू आर डैम श्योर कि आप जो सामान ला रहे हो क्यों फालतू मेहनत करें। और ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कस्टम डिपार्टमेंट के लिए कि हर एक बंदे से कहो लाओ मैं तुम्हारा बैग खोल करके देखूं, आप बैग में ले क्या क्या जा रहे हैं। अब हर एक बंदे को आप शक की निगाह से देखोगे तो ठीक है, शक की निगाह से देखो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक पैसेंजर के बैगेज को कम्प्लीटली तलाशी ली जाए। ठीक है, आप मशीनों से क्रॉस करते हैं, स्कैनिंग होती है, दैट इज ओके, लेकिन स्कैनिंग इज अनदर थिंग। लेकिन अगर हम तलाशी लें तो क्या सारे पैसेंजर्स की तलाशी लें? तो उसके लिए पैसेंजर को कहा गया हम मान लेते हैं यू आर द ऑनेस्ट वन, आप बहुत ईमानदार हो,
ईमानदारी आपके रग रग में बसी हुई है, हम आपके ऊपर कोई शक नहीं करने जा रहे। हम आपको दो चैनल्स देते हैं, एक ग्रीन चैनल और एक रेड चैनल। ग्रीन चैनल, अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा सामान नहीं है या आपका बिना तलाशी के सामान बाहर चला जाना चाहिए या आप अपने साथ कोई ऐसा सामान कैरी नहीं करते जिस पर इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, तो उस केस में आप ग्रीन चैनल का फॉर्म भरिए। आप उस फॉर्म में डिक्लेरेशन दीजिए, आप ग्रीन चैनल के थ्रू जा सकते हैं, आपका सामान चेक किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है। और उस केस में अगर आप पकड़ लिए गए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पेनाल्टी लगेगी। लगेगी ना? जी सर, बिल्कुल लगनी चाहिए पेनाल्टी। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि आप रेड चैनल से जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ये सामान है और उन पर ड्यूटी लगनी चाहिए, तो आप कितनी ईमानदारी दिखाएंगे? इतनी ईमानदारी। लेकिन ईमानदारी में भी कुछ लोग बेईमानी कर जाते हैं, दिखाते हैं लेकिन पूरा नहीं दिखाते, आधा अधूरा दिखाते हैं। तो केवल ग्रीन चैनल में जाने से ये मत समझ लेना, केवल ग्रीन चैनल का डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से ये मत समझ लेना कि अब तलाशी नहीं होगी होगी, और रेड चैनल का डिक्लेरेशन भरने से ये मत समझ लेना कि हर चीज़ की तलाशी होगी। जरूरी नहीं। और अगर तलाशी होती है, आपके पास सामान मिलता है एक्सेसिव रेड चैनल में आने के बावजूद, जिनका डिक्लेरेशन किया जाना था आपने नहीं किया, तो भी आपके ऊपर एक अच्छी खासी पेनाल्टी के प्रोविजंस लगेंगे। ग्रीन चैनल, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू आस्क एवरी ट्रेवलर टू डिक्लेयर कंटेंट ऑफ द बैगेज, हेंस कस्टम्स हैव प्रोवाइडेड टू चैनल्स एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट। फिर बोलूं क्या? If a person doesn't have any dutiable goods, he can go through green channel. An incoming passenger has to submit disembarkation card containing written declaration about his baggage. This should be collected when passenger goes through green channel. Okay? Passenger who has nothing to declare can simply walk through green channel with baggage on the basis of oral declaration or a declaration on their disembarkation cards. Any passenger found walking through green channel with dutiable or prohibited goods is liable to strict penal action of seizure and confiscation. He can even be arrested and prosecuted. Okay? Red channel. तो अब तो सर समझ में आ गया, कहानी तो क्लियर है। Person carrying dutiable goods should pass through red channel and should submit a declaration. The declaration of the goods and value as given by the passenger in disembarkation card is generally accepted, but baggages can be inspected by custom officer. Rate of custom duty on baggage, that is 35%. Rate of custom duty on baggage, that is 35%. Rate of custom duty on baggage, that is 35%. एग्जेम्पशन टू लैपटॉप और कंप्यूटर अगर पर्सनल पर्पस के लिए है और सामने वाले की एज 18 साल से अधिक है तो पूरी तरह से माफ़ होता है, आप कंप्यूटर ला सकते हो, आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हाँ या ना? जी हाँ। टेम्पोरेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज, सर कहानी तो बैगेज की समझ में आ गई, ये टेम्पोरेरी डिटेंशन क्या है सेक्शन 80 बताता है। अब कोई फॉरनर आया हिंदुस्तान में, उसको 2 दिन बाद वापस जाना है, 4 दिन बाद वापस जाना है, घूमने आया है 10 दिन बाद वापस जाना है, तो वो बंदा रिटेन में एक डिक्लेरेशन देगा और रिक्वेस्ट करेगा कस्टम डिपार्टमेंट से कि मेरे पास जो सामान है वो आप अपनी कस्टडी में रख लो, आप अपने डिटेंशन में रख लो, मुझे मत दो, मैं जब वापस जाऊँगा, जब इंडिया छोड़ूंगा तो अपना सामान लेकर जाऊंगा। ओके, यानी लॉकर फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं। जी, वेयर द बैगेज ऑफ अ पैसेंजर कंटेन एनी आर्टिकल विच इज ड्यूटिएबल और द इम्पोर्ट ऑफ विच इज इम्प्रोहिबिटेड, हो सकता है इम्पोर्ट करना प्रोहिबिशन है, आप हिंदुस्तान की सीमा में उसको नहीं ला सकते, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि मैं अपना ये सामान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये सामान हिंदुस्तान के लिए नहीं लाया था, मैं इस सामान को अपने देश वापस ले जाऊँगा या किसी दूसरे देश में ले जाऊँगा, ये सामान मेरे पास है तो सही लेकिन अब मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर यहाँ से निकालूंगा तो, लेकिन मैं ड्यूटी नहीं देना चाहता क्योंकि सामान यहाँ के लिए है ही नहीं, तो कह सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ ट्रू डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 77 द प्रॉपर ऑफिसर मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर डिटेन, रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर,
डिटेन सच आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम ऑन हिज लिविंग इन इंडिया. हावर इफ फॉर एनी रीजन द पैसेंजर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ हिज लिविंग इंडिया द आर्टिकल मे बी रिटर्न टू हिम. अगर वो मान लो पैसेंजर वापस जा रहा था और वो भूल गया अपना सामान कलेक्ट करना या वो सामान कलेक्ट नहीं कर पाया और वो इंडिया छोड़ चुका है, तो ये कस्टम डिपार्टमेंट का काम है कि उस सामान को उसके स्थान तक पहुंचाया जाए. जी हाँ, उसको वापस किया जाएगा सामान. बैगेज प्रोविजंस आर ओके, खत्म हो गया बैगेज प्रोविजन. अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बैगेज रूल्स. सर क्या हैं ये बैगेज रूल्स? मैंने अभी शुरू में ही बताया कि बैगेज के प्रोविजंस के साथ साथ बैगेज रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं, नॉट ऑन द अकम्पेंड बैगेज बट ऑल्सो ऑन अनअकम्पेंड बैगेजेस टू. यानी ये बैगेज रूल्स अकम्पेंड बैगेजेस के साथ साथ अनअकम्पेंड बैगेजेस पर भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे. ये रूल्स बताते हैं कि आप कितने रुपए का सामान हिंदुस्तान में ला सकते हैं, कितने रुपए का सामान हिंदुस्तान में लाना फ्रीली अलाउड है फॉर अ पर्सन. एज वाइज भी है, इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाइज भी है, ठीक है ना, कंट्री वाइज भी है. जरा देखें, रूल थ्री कहता है इन केस ऑफ एन इंडियन रेजिडेंट और अ फॉरनर रेजिडिंग इन इंडिया रिटर्निंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन. अगर कोई हिंदुस्तान में आता है वापस, यानी गया था हिंदुस्तान से और वापस आता है, चाहे वो नेपाल छोड़ दो, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी इन द बैगेज. यानी नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, आस पड़ोस के दो देश, पाकिस्तान शामिल नहीं है. नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश शामिल नहीं है. द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी टू द बैगेज यूज पर्सनल एंड पर्सनल इफेक्ट के होंगे सामान, उनको माफ किया जाएगा. आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर्म कैरिड ऑन द पर्सन और इन अकम्पेंड बैगेज. जरा ढंग से सुनेंगे. 10 साल से अधिक की एज का बंदा अगर 3 दिन से ज़्यादा बाद वापस आता है हिंदुस्तान में, तो 45,000 का सामान अपने साथ ला सकता है. यानी एक बंदा जो हिंदुस्तान से गया था, या एक फॉरनर जो हिंदुस्तान में रहता था, ये लोग गए थे बाहर, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका चाइना, इन 4 देशों को छोड़कर बाकी किसी देश से घूम करके वापस आ रहे हैं. अब घूम करके वापस आ रहे हैं 3 दिन से अधिक या 3 दिन से कम. और अगर सामने वाला जो आ रहा है उसकी एज 10 साल या उससे अधिक है, तो वो 3 दिन से अधिक के बाद वापस आ रहा है, तो 45,000 का सामान ला सकता है. और अगर 3 दिन से कम के समय में वापस आ रहा है, तो 17,500 रुपये का सामान वो इंडिया में ला सकता है बिना किसी ड्यूटी को पे किए हुए. यानी नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार एक्सेप्ट, यानी इनको छोड़कर, और नेपाल, चाइना ओनली, भूटान एंड म्यांमार, अगर यहां से वो वापस आता है. अब हो सकता है दो कंडीशन, 10 साल या उससे कम एज वाला हो, 10 साल या उससे कम एज वाला हो, 10 ईयर्स और अबव, बिलो 10 ईयर्स, 10 साल से कम एज वाला. मैंने उल्टा बोल दिया, फिर सुनेंगे. 10 ईयर्स और अबव, बिलो 10 ईयर्स. अब हो सकता है 3 डेज और मोर, 3 डेज और लेस, मोर देन 3 डेज. ढंग से सुनेंगे, सेम यही चीज, 3 डेज और लेस, मोर देन 3 डेज.
सेम चीज है, 10 ईयर्स और अबाउ 3 डेज और लेस। अगर आप ज्यादा दिन के बाद वापस आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने शॉपिंग भी ज्यादा की होगी, और अगर आपने शॉपिंग ज्यादा की होगी तो आपको छूट भी ज्यादा मिलेगी। जी सर, अगर 10 साल तक की एज है तो 45,000, अदरवाइज 17,500 रुपए का सामान आप हिंदुस्तान में ला सकते हो। $17,500 का सामान ला सकते हो और यहाँ पर 3,000 रुपए का सामान ला सकते हो। अब छोटी एज का बच्चा कितना सामान अपने साथ कैरी करेगा पर्सनल सोच सकते हो, ठीक है ना? 3,000, 17,500, 17,545,000, 17,500, 45,000 एंड 3,000 एंड 17,500, इज इट क्लियर? शायद इसमें लिखना हमारा रह गया, जहाँ तक मुझे मालूम है ठीक है होगा। अगर 10 साल या उससे अधिक है तो 6,000 रुपए का सामान और 1,500 रुपए का सामान, दैट्स इट। ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्लियर है? 10 साल से अधिक 6,000, 10 साल से कम 1,500, बात खत्म। दीज आर द रूल्स, आगे चलते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये सामान नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते, जरा ढंग से देखेंगे। वैसे इनकी उम्मीद नहीं की जाती कि आप रट करके बैठे, लेकिन तब भी दिमाग में ये चीजें सेट हो तो ज्यादा बेटर है। कहा गया ये सामान इससे ज्यादा नहीं ला सकते, फायर आर्म्स तो ला ही नहीं सकते। आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए कि आप फायर आर्म्स लाएंगे, नहीं आप हथियार वगैरह लेकर चलना चाहते हैं, नहीं ना, ठीक है छोड़ दें। कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स नहीं ले सकते, कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स गोलियां 50 से ज्यादा 50 तक ले सकते हैं। सिगरेट्स 100 से ज्यादा नहीं ले सकते, सिगरेट 100 से ज्यादा नहीं ले सकते। सिगार 25 से ज्यादा नहीं ले सकते। टोबाको 125 ग्राम से ज्यादा सामान नहीं ले सकते। अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ज्यादा शराब नहीं ले सकते अपने साथ। आप लेकर चल सकते, लेकर चलने का मतलब लेकर नहीं चलना है, साथ लेकर चलना है। गोल्ड और सिल्वर नहीं लेकर चल सकते। LCD, LED, प्लाज्मा आप ये नहीं लेकर चल सकते। लैपटॉप एग्जेम्प्ट है अगर 18 साल से ऊपर का है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। जी सर, आपने बता दिया, खत्म है आपका ये चैप्टर। 2-3 और पॉइंट है। अच्छा, दिया है मैंने रूल 4 में दिया है, नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार का दिया है, मुझे मिल नहीं रहा था। जी हाँ, 6,000 and 1,500, दैट इज ओके, क्लियर है ना? अगर कोई प्रोफेशनल वापस आता है इंडिया में तो वो 12,000 रुपए का हाउस होल्ड का सामान और 20,000 रुपए तक प्रोफेशनल इक्विपमेंट ला सकता है। 12,000 और 20,000 तक का प्रोफेशनल इक्विपमेंट ला सकता है। 12,000 का पर्सनल हाउस होल्ड और 20,000 रुपए का प्रोफेशनल। लेकिन अगर वो 6 महीने से ज्यादा पीरियड के बाद वापस आ रहा है तो 12,000 और 40,000 का सामान अपने साथ ला सकता है। इसको आप लोग रट लेंगे, बात खत्म हो गई। ड्यूटी फ्री अलाउंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी की बात करते हैं तो कोई भी बंदा जो वापस आता है उसको 50,000 रुपए तक, जेंट्स के केस में 50,000 रुपए तक की ज्वेलरी ला सकता है अपने साथ पर्सनल, नॉट फॉर सेल और गिफ्ट। और लेडीज के केस में 1,00,000 रुपए तक की ज्वेलरी वो साथ ला सकती है पर्सनल के लिए, पर्सनल यूज के लिए। दैट्स इट, ये था आपका बैगेज और बैगेज रूल। ज्वेलरी की बात करें तो 50,000 केस ऑफ अ जेंटलमैन और मेल पर्सन, लेडीज के केस में 1,00,000 रुपए तक की वो ज्वेलरी साथ में ला सकते हैं। सिगरेट आपको मालूम है कितनी ला सकते हैं और अब कितनी नहीं ला सकते, ऐसा नहीं कि आप जितना चाहें सिगरेट उतना ले आएंगे। तो कहा गया सिगरेट आप 100 से ज़्यादा नहीं ले आ सकते, सिगार आप 50 से ज़्यादा नहीं ले आ सकते, टोबाको प्रोडक्ट आप 125 से ज़्यादा नहीं ले आ सकते, फायर आर्म्स ला ही नहीं सकते, लीकर 2 लीटर से ज़्यादा आप साथ में कैरी नहीं कर सकते,
और फ्लैट पैनल यानी एलसीडी एलईडी नहीं ला सकते, गोल्ड और सिल्वर किसी भी फॉर्म में हो नहीं ला सकते, 50,000 1,00,000 मैंने बता दिया, दैट्स इट, दैट इज ओवर, दैट वॉज योर पैकेज। म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, 17,500, 45,000, 3,000 और 17,500, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, 6,000 और 1,500, दैट इज़ ओके, थैंक यू बच्चों।